जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो अंदर ये बात करने वाले हैं कि जो बैटरी लाइफ है उसका आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन्स में कैसे पता लगाओगे कि हमारे जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर एंड्रॉइड्स में कितनी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन आप सभी को देखने को मिल जाते हैं कि अलग अलग स्मार्टफोन्स में अलग अलग यहाँ पर बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। इवन जैसे मेरा स्मार्टफोन है, मेरे स्मार्टफोन में अलग बैटरी लाइफ मिलेगी, आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर अलग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो अंदर बात करने वाले हैं। तो थोड़ा नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का इसको शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की जो वीडियो है वो बिना देरी के शुरू करते हैं। पर जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आते हैं ना, हर किसी का अपना अपना ब्रांड है। जैसे सैमसंग है, रियलमी है, शाओमी, रेडमी, पोको या वन प्लस वगैरह, जितने ब्रांड्स है, हर किसी स्मार्टफोन्स के अंदर अलग अलग आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है और हर ब्रांड अपने हिसाब से जो है ना उस बैटरी को ऑप्टिमाइज करता है या फिर जो उसका यूआई होता है उसको उस तरह ऑप्टिमाइज करता है। बैटरी की लाइफ कभी भी यहाँ पर जो है ना वो सेम नहीं देखने को मिलने वाली है एंड्रॉइड्स के अंदर। आईफोन में क्या होता है कि वहाँ पर जो है ना एक चीज़ फिक्स करी हुई है आईफोन वालों ने कि काफ़ी सारे आईफोन्स में आपको लिमिटेशन देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग कुछ ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से कोई भी चीज़ें डाउनलोड नहीं करोगे। काफ़ी सारे लिमिटेशन आपको देखने को मिलती है आईफोन के अंदर। जितनी ज़्यादा मौज यहाँ पर एंड्रॉइड में उतनी ज्यादा आईफोन में आपको देखने को नहीं मिलती। वहां पर एकदम नॉर्मल यूजर्स की तरह काम चलाना पड़ता है आईफोन के अंदर, पर एंड्रॉइड में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर ही रहा हूँ बैटरी लाइफ के बारे में, तो जो बैटरी लाइफ है वो आपको जो आईफोन है ना उसमें थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है, उसमें लगभग सही बैटरी लाइफ बताता है। यानी कि आईफोन का जब हम बैटरी वाला सेक्शन खोलते हैं ना, तो उसके अंदर जो बैटरी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर जो दिखाता है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो कितनी बची हुई है। पर एंड्रॉइड्स में ये सब सिस्टम तो हमें देखने को मिलता ही नहीं है, कोई भी यहाँ पर एंड्रॉइड फोन में सारी चीज़ नहीं बताता है। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, कभी भी जो स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ है ना वो कभी भी यहाँ पर सेम देखने को नहीं मिलेगी। आप यूज़ कर रहे हो सकता है आपके में बैटरी लाइफ अच्छी देखने को मिले, मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे में बैटरी लाइफ हो सकता है बेकार देखने को मिले। तो ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसे कैसे यहाँ पर एरिया में रहते हो, कैसा वहाँ का कंडीशन है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 6-7 कंडीशनों के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है। पहले यहाँ पर वेदर और जो वहाँ का जो मौसम वगैरह है वो सब कैसा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ का मौसम ठंडा हो, मेरे यहाँ का मौसम गर्म हो, या मेरे यहाँ का मौसम गर्म हो आपके यहाँ का ठंडा हो, ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जब बैटरी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में जाएगी ना तो भी यहाँ पर बैटरी डिक्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर बैटरी ज़्यादा ठंडे जगह पे भी रहती है ना तो वहाँ पर जो है बैटरी काफ़ी जल्दी डिक्रीज होगी। दूसरी चीज़, जहाँ पर जो बैटरी ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस पर रहती है, जहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर भी फ़ोन को यूज़ करें तो वहाँ पर भी बैटरी डिक्रीज ज़्यादा देखने को मिलेगी। फ़ोन के बैटरी को क्या चाहिए होता है कि वो एकदम मीडियम जगह पर यहाँ पर है, बट हमारे इंडिया में काफ़ी सारे यहाँ पर वेदर कंडीशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साउथ में जाओगे तो अलग ही वेदर मिलेगा, ईस्ट में अलग ही है, नॉर्थ में अलग ही है और वेस्ट में अलग ही देखने को मिल जाता है। तो हर जगह का अलग अलग यहाँ पर वेदर देखने को मिल रहा है। तो वही डिपेंड करेगा कि आपके एरिया का जो वेदर है वो कैसा देखने को मिलता है। अक्सर तो हमने ये भी देखे कि हम एक ही स्टेट के अंदर रह रहे हैं और उसी स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको वेदर भी देखने को मिल जाता है। तो वही चीज़ है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके यहाँ पर वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ का जो मौसम है वो यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है, वहाँ पर मौसम या टेम्परेचर कैसा है। दूसरा पॉइंट होगा ये कि जो कि ऐप वगैरह, यानी कि हर यूजर अपने अलग अलग तरीके से यहाँ पर ऐप्स को यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, ये बात तो कन्फर्म है। मैं अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर जो है अपना अलग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखता हूँ, आप अपने स्मार्टफोन में एक अलग एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करके रखते होंगे। तो हर किसी का जो तरीका है वो यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है ना, तो वही चीज़ आप लोगों को थोड़ी बहुत यहाँ पर समझने की जरूरत है। आप एक अलग ऐप डाउनलोड करोगे, मैं अलग डाउनलोड करूँगा, हर ऐप का अलग अलग यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, वो अपने हिसाब से यहाँ पर बैटरी कंज्यूम करेगा। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर ब्राइटनेस। मान लीजिए आप लोग दिन के अंदर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप अपने स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस है वो कितना यहाँ पर रखते हो। जैसे मान लीजिए मैं अपने स्मार्टफोन का ब्राइटनेस पूरे दिन यहाँ पर जो है लगभग 50% रखता हूँ। अब जरूरी है कि मैं इतना रखता हूँ तो आप भी इतना रखोगे। आप हो सकता है पूरे दिन अपने स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस है यहाँ पर 80% 90% रखते हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग 10 या 20% बैटरी बचाने के लिए यहाँ पर ब्राइटनेस को कम रखते हो। तो वो डिपेंड करेगा वेरिएबल कंडीशन के ऊपर कि आप अपने स्मार्टफोन्स के अंदर जो है ब्राइटनेस कितना ज़्यादा यहाँ पर रखते हो, तो वो एक बैटरी के ऊपर भी असर देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर गेमिंग। हर किसी का यूजर जितने भी है ना वो अपने हिसाब से गेमिंग करता है अपने स्मार्टफोन में। कोई यहाँ पर आधा घंटा गेमिंग करता है, कोई यहाँ पर 2 घंटे गेमिंग करता है, कोई यहाँ पर 3 घंटे भी गेमिंग करता है। तो वही डिपेंड करेगा कि जो अदर जो यूजर्स है वो वहाँ पर अपने स्मार्टफोन में कितनी ज़्यादा यहाँ पर गेमिंग करते हैं। अगले पॉइंट की बात कर लें वो है यहाँ पर जो कि है रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग कई टाइप की होगी, जैसे आप कॉल रिकॉर्ड करो या वॉइस रिकॉर्ड करो, ये भी एक रिकॉर्डिंग में आ जाता है। दूसरी चीज़ होगी कि यहाँ पर आप कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करो, तो वो भी एक डिपेंड करेगा कि आप अपने स्मार्टफोन में कितनी ज़्यादा यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। कोई 4K के ऊपर रिकॉर्डिंग करता है, कोई 1080p के ऊपर रिकॉर्डिंग करता है, तो ये भी आपके बैटरी के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट करता है। क्योंकि जब आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे 4K पे करोगे चाहे 1080p करोगे, तो बैटरी तो कंज्यूम करेगा ना यहाँ पर, उसको तो बैटरी चाहिए यहाँ पर
कैमरे का जो अच्छी क्वालिटी में इमेज को या यहाँ पर जो भी पिक्चर है उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो भी इसमें बैटरी में मायने रखता है। यहाँ पर अगले यहाँ पर चीज़ की बात कर लें, चार्जिंग डिस्चार्ज और यहाँ पर चार्ज, कि आप अपने स्मार्टफोन को एक दिन में कितनी बार यहाँ पर चार्ज करते हो, कितनी बार यहाँ पर डिस्चार्ज करते हो, ये भी एक चीज़ डिपेंड करेगा आपके स्मार्टफोन के ऊपर। तो जितने मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए हैं ना, यही सारे जो पॉइंट्स आपके यहाँ पर कंडीशंस देखेंगे कि देखिए फोन के जो आइडियल कंडीशन है ना और किसी के डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। फोन का जो है बैटरी का जो हमें लाइफ है ना वो हर किसी के स्मार्टफोन में अलग देखने को मिलेगी कि वो अपने तरीके से यूज कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला यहाँ पर कि आप सभी को जो है अलग यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, अलग ऐप डाउनलोड करेगा या कोई यहाँ पर गेमिंग ज्यादा करता हो या चार्ज डिस्चार्ज करता हो या वहाँ के जो टेम्परेचर हो कैसा देखने को मिलता है, तो ये सारी चीज जो कंडीशन मैंने आपको बताया ना ये डिपेंड करता है एक बैटरी लाइफ के ऊपर। कि जो ये जितने भी कंडीशन बताए गए हैं यही बताएगा कि आपका जो बैटरी लाइफ हो कैसा यहाँ पर देखने को मिलता है। हम एक आइडियल कंडीशन की बात कर लेते हैं, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए हम एक यहाँ पर आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके स्मार्टफोन में मान के चलिए 4500 mAh बैटरी दे रखी है और उसके अंदर जो चार्जिंग सपोर्ट दिया है 30 से 33 वाट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाती है और आप अपने स्मार्टफोन को डेली यहाँ पर 2 घंटे गेमिंग करते हो, 1 घंटे यहाँ पर कॉलिंग करते हो, 1 घंटे यहाँ पर म्यूजिक सुनते हो, 1 या 2 घंटे यहाँ पर आप जो है सोशल मीडिया यूज करते हो या फिर तकरीबन 1/2 घंटे 10-15 मिनट जो है आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। तो ये सारी चीज़ को अगर हम जोड़ जाड़ दें तो यहाँ पर जो लगभग यहाँ पर 6 या 7 घंटे अगर आप लोग डेली यूज करते हो और आपका सेम यही डेली का यूजर्स है जितने मैंने आपको चीज़ें बताई है ना यूज़ में, यानी कि 1-2 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करो या गेमिंग करो, अगर आपका डेली का यही रूटीन बना हुआ है ना तो आपका जो डिवाइस है वो लगभग 1 साल बाद जो है उसकी 20% 25% जो बैटरी लाइफ यहाँ पर कम हो जाएगी। डिपेंड वहाँ पर भी करेगा कि जो बीच में जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं वो भी डिपेंड करेगा कि वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है क्या उससे भी यहाँ पर बैटरी पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अक्सर हमने देखा है कि हमारे स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने के बाद भी काफ़ी सारे यहाँ पर बैटरी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बैटरी जल्दी डिक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ भी डिपेंड करेगी यहां पर कि जो आपको यूआई दिया गया है उस स्मार्टफोन में उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी है आफ्टर अपडेट के बाद या जो बीच में जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे देखने को मिलती है, ये भी चीज़ एक निर्भर करेगी। अगर हम इस ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा अलग रखें और जो आपका डेली यूजर्स यही है कि 2 घंटे 3 घंटे ये सारी चीजें यूज करना, अगर आप उसी तरह डेली काम करोगे अपने स्मार्टफोन में तो आपके स्मार्टफोन में 1 साल बाद जो बैटरी लाइफ है वो लगभग यहां पर 20% या 25% यहां पर कम हो जाएगी। अगर बीच में यहां पर किसी सॉफ्टवेयर में जो है प्रॉब्लम आ गई अपडेट के बाद तो बैटरी डिक्रीज वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिर उसको डाउनग्रेड ही करना पड़ता है पुराने वर्जन में ताकि हमें पुराने वाला बैटरी बैकअप देखने को मिले। तो ये चीज़ भी निर्भर करिए। फिर इसी तरह आप लोग यहाँ पर 1 साल और यूज करते हो तो आपने 2 साल ये सारी चीज़ें यूज करी, 1 साल बाद तो आपकी बैटरी की 20 से 25% यहाँ पर बैटरी लाइफ कम होगी। फिर 1 साल बाद दोबारा इसी तरह आप इसी रूटीन में चलोगे तो 1 साल बाद जो है आपके बैटरी जो है आपके स्मार्टफोन में फिर से यहाँ से लगभग 25% कम होगी। तकरीबन जो पूरी 100% जो बैटरी लाइफ है ना उसमें लगभग तो है 2 साल बाद आपका जो बैटरी यहाँ पर लाइफ निकाल कर देगा वो लगभग यहाँ पर 50% या 55% ही निकाल कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और तीसरे साल तक तो आते आते उसकी पावर थोड़ी और भी कम हो जाएगी क्योंकि एंड्रॉइड्स में सारी चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि बैटरी की भी एक लाइफ होती है, यानी कि आप एक स्मार्टफोन के अंदर एक बैटरी लेके उसको आप 5 साल 4 साल तक यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जो डिग्रेडेशन है वो जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि बैटरी की लाइफ कैसे यहाँ पर काम करती है और कितनी लाइफ देखने को मिलेगी। तो आपका जो डेली रूटीन है उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करेगा कि आप लोग उसका किस तरह यूज़ करते हो। और अगर कोई और भी डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।